ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हर मोड़ पर हुजूर ने अपनी उम्मत की फिक्र की, हर मामले में अपनी उम्मत की फिक्र की, हर हाल में अपनी उम्मत की फिक्र की। उम्मत की फिक्र का अंदाजा लगाना हो तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से अंदाजा लगाएं, आपके फरमोदात से अंदाजा लगाएं, आपकी शब्बेदारी से अंदाजा लगाएं, आपकी परवरदिगार की बारगाह में गिरियोजारी से अंदाजा लगाएं, यहां तक के परवरदिगार से मुलाकात के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने रब से हम कलामी का शर्फ हासिल किया उस वक्त के कलेमात को पढ़ें तो पता चलेगा कि पैगंबर रहमत को अपनी उम्मत की कितनी फिक्र थी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं कुछ इरशादात आपके सामने रखूं, शायद आपके इल्म में कुछ इजाफा भी हो सके और फिक्र का करेक्शन हो सके। डॉक्टर इकबाल ने जो कहा है, कुव्वत फिक्र व अमल पहले फना होती है, ये फिक्र उम्मत ही तो है। अल्लाह अकबर। जब तक रसूल आजम की उम्मत की फिक्र थी और इस सुन्नत पर अमल था, दुनिया में मुसलमानों में खुरेजियां नहीं थी, मुसलमानों में जंगो जदाल नहीं था, मुसलमान मुत्तहिद था। दुनिया के किसी खित्ते के अंदर किसी मुसलमान को तकलीफ होती थी, सारी दुनिया के मुसलमान बेकरार हो जाते थे। ये फिक्र मुस्तफा जाने रहमत से सहाबा ने ली थी, ये फिक्र सहाबा किराम अलैहिमुर रिजवान से ताबईन ने ली थी और मोमिनीन ने ली। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम किस देखें, जगह जगह पर उम्मत का ख्याल देखें, बारहा उम्मत के हवाले से हर छोटी सी चीज के अंदर रहनुमाई का पैगाम देखें। मैं हैरान हूं, अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से फरमाते हैं कि देखो, जहां किसी जमीन पर सुराख हो वहां पर इस्तिंजा न करना, वहां पेशाब न करना, हो सकता है उसमें कोई कीड़ा हो, मुजी जानवर हो, तुम इस्तिंजा करो और उसकी वजह से वो मुजी जानवर तुम्हें अजियत पहुंचाए। यार, आपकी अजमतों पर कुर्बान के उम्मत के सिलसिले में इतनी छोटी छोटी बातों पर भी आपने इतना ख्याल किया कि कहीं से उम्मत को तकलीफ न पहुंचे, ऐसे इरशादात अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस उम्मत का मामला यह है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन इरशादात को पसे पुष्ट रखे हुए है, दर्द उम्मत को पसे पुष्ट रखे हुए है, फिक्र उम्मत को फरामोश किए हुए है। आप इसी तरह से आगे देखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस छत दीवार न हो, बॉर्डर न हो, उस छत पे रात को सोया न करूं। अल्लाह अकबर। कहीं नींद में लौटते लौटते वो छत के अगर किनारा और बॉर्डर नहीं है तो गिर न जाओ, इसलिए बॉर्डर वाली छत ही पर तुम आराम किया करो। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, रात को कोई छत पर सोता हो, अगर छत की बॉर्डर मौजूद ना हो, दीवार मौजूद ना हो, तो सरकार फरमाते हैं ऐसी छत पर न सो। आपका तो कितना ख्याल है कि मेरी उम्मत रात को सोने के अंदर कहीं गिर करके हलाक न हो जाए। इतना ख्याल न मां रखती है, इतना ख्याल न बाप रखता है, इतना ख्याल न रिश्तेदार रखते हैं, इतना ख्याल न कोई और रखता है, जितना ख्याल अपनी उम्मत का पैगंबर रहमत रखा। कायनात में कोई ऐसा गमगुसार हमें नजर नहीं आता है। आप जरा सोचें, मुर्ग मुसल्लम आप खाएं, मुर्ग मुसल्लम अच्छी तरीके से आप खाएं, हाथ आपके चिकने हो जाएं, सरकार फरमाते हैं अगर तुम्हारे हाथ में रात को खाने में चिकनाहट है तो उसे अच्छी तरह से धो लिया करो, उसे अच्छी तरह से धो लिया करो, इसलिए कि रोगन की वजह से अगर तुम्हारे हाथों में चिकनाहट हुई तो रात में हो सकता है किसी कीड़े को खुशबू आ जाए और तुम्हें अजियत पहुंचा दे। आप जरा सोचो तो सही, खाएं हम और फिक्र मदीने के ताजदार को कि मुझी जानवर न डस जाए, कोई कीड़ा हमें अजियत न पहुंचाए। इतनी फिक्र पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात किताबों में भरे पड़े हैं अपनी उम्मत के लिए। मूछे पस्त करो और दाढ़ी बढ़ाओ। आखिर मूछे पस्त करने का हुक्म क्यों दिया गया? वजह यह है कि मूछों के बाल की नोक पर अगर जरासीम है और पानी पीते हो, वो जरासीम पूछ के
पानी पियो तो देखकर पियो। आप जरा सोचो, आका फरमाते हैं पानी पियो तो देख करके पियो कि पानी में कहीं कोई कीड़ा कोई जानवर तो नहीं है जो तुम्हें अजियत पहुंचा दे, लाशऊरी तौर पर तुम बिन देखे पी लो और उसमें कोई जरासीम है जो तुम्हारे शिकम में पहुंचकर तुम्हें अजियत पहुंचाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की यह फिक्र थी, इसलिए यह तालीम अता फरमाई। आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, सरकार फरमाते हैं मोजा पहनने से पहले उसे झाड़ लिया करो। मैं बहुत छोटी छोटी चीजों की तरफ तवज्जो दिलाता हूं, लेकिन फिक्र मुस्तफवी को देखो और फिक्र मुस्तफवी उम्मत के सिलसिले में क्या है, जरा उसको गौर करने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोजा पहनने से पहले झाड़ लिया करो, जूते पहनने से पहले झाड़ लिया करो, कहीं उसमें कोई कीड़ा ना हो, कहीं उसमें कोई मुझी जानवर ना हो जो तुम्हें अजियत पहुंचाए। आप मुझे बताओ, दुनिया की साइंस और दुनिया की टेक्नोलॉजी में कहां ये सारी तालीम और फिक्र मिलेगी? साइंस तरक्की की तालीम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दिमाग के संवारने के मंसूबे तो पेश किए जाते हैं, लेकिन उम्मत के बचाने के हवाले से और फिक्र के हवाले से जो पैगाम और पैगंबर आजम ने जो फिक्र फरमाई है, वो फिक्र कायनात के दूसरे लिबाब, कायनात के दूसरे सिलेबस के अंदर या दूसरी किताबों के अंदर हमें मिलता हुआ दिखाई नहीं देता।